तो ये समस्या आप लोग के सामने बहुत ज्यादा है। कुछ लोग कह रहे हैं इस पे ट्विटर पर जाइए, कुछ कह रहे हैं आंदोलन करिए। देखो डियर स्टूडेंट, आप लोग लॉ के स्टूडेंट, आप लोग को लगता है कि सर की भी मदद चाहिए, तो देखिए हमने सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट हैं, अच्छे एडवोकेट हैं, उनसे आज हमने बात भी किया था, उनका फोन भी आया था। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? डियर स्टूडेंट आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। स्टूडेंट आज आप लोग के बीच में जो बात करने जा रहे हैं सर, वो मध्य प्रदेश जो न्यायिक सेवा में संशोधन किया गया है, जिसको लेकर स्टूडेंट लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके बराबर मैसेज आ रहे हैं, उस पर हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि आप लोग क्या कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं जो परीक्षा रिफ्रेशर के नाम से है। देखिए परीक्षा रिफ्रेशर के अगर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो जो भी लीगल इवेंट्स होते हैं, कोई भी लीगल इवेंट्स ऐसे आते हैं जिसमें आप लोग को परेशान होना पड़ता है, उसका भी सलूशन आप लोग को बताया जाता है। कोई वैकेंसी आती है उसकी भी जानकारी दी जाती है, कोई एग्ज़ाम की डेट आती है, रिजल्ट आता है, जो भी ऑनरेबल हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते हैं, सारी चीज़ें आप लोग को परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल पर समय समय पर बताया जाता है। देखिए आज का जो एक विषय है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय की स्वीकृति से जो उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के रिकमेंडेशन पर उन्होंने संशोधन किया है नियमावली में, और वो है मध्य प्रदेश की न्यायिक सेवा को लेकर। नियम बहुत तगड़े बना दिए गए हैं, इसमें यह कहा गया है कि अब मध्य प्रदेश की न्यायिक सेवा को वही कैंडिडेट भर सकता है जो लॉ में, चाहे वो BA LLB यानी 5 ईयर का स्टूडेंट हो या 3 ईयर्स के LLB के स्टूडेंट हो, जिसने 1 अटेम्प्ट में एक बार में पूरा 70% के नंबर को ग्रैंड टोटल उसका मिलना चाहिए। दूसरा, अगर उसका 70% नहीं है तो उसको फिर AIB के एग्ज़ाम देना पड़ेगा, AIB के एग्ज़ाम के बाद वो एडवोकेट बनेगा और 3 साल उसको एडवोकेसी करनी पड़ेगी, तब वो इंटाइटल होगा लोअर जुडिशरी का फॉर्म डालने की। तो डियर स्टूडेंट, से स्टूडेंटों में बड़ा डर भर गया है, उनको ये लग रहा है कि अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 70% नहीं है, अब उनको ये लग रहा है कि हम लोग को 3 साल एडवोकेसी करनी पड़ेगी। तो ये समस्या आप लोग के सामने बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग कह रहे हैं इस पे ट्विटर पर जाइए, कुछ कह रहे हैं आंदोलन करिए। देखो डियर स्टूडेंट, आप लोग लॉ के स्टूडेंट, लॉ के स्टूडेंट के पास विधि के दायरे में आप लोग को प्रोटेस्ट करना है। इसके लिए मेरा ये सुझाव आप लोग के लिए है कि आप लोग अगर चाहते हैं तो उस जो संशोधन नियमावली हुई है उसके अगेंस्ट आप लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप लोग एक रिट फाइल कर सकते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आप लोग अपनी बात को एक अच्छे एडवोकेट के माध्यम से रख सकते हैं कि जो संशोधन हुआ है इससे हम लोग का बहुत अहित होने जा रहा है, क्योंकि हमारे पास 70% नहीं है और हमारी एज बढ़ गई है, हमने एडवोकेसी में इनरोलमेंट नहीं लिया है, तो आप इसका बचाव रखिए कि हमें कुछ दिनों की छूट दिया जाए ताकि हम लोग 1-2 अटेम्प्ट दे सकें और इसको आगे के डेट से लागू किया जाए। तो देखिए जो सुप्रीम कोर्ट हमारे होते हैं, जजेस बहुत ही ज़्यादा लिबरल होते हैं, आपकी समस्या को समझेंगे। हम समझते हैं आप लोग को एक पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिले, इसके लिए 2 काम हैं। या तो आप लोग पूरा एक आपस में जुड़ जाइए, एक आप लोग कोई ग्रुप बना लीजिए और उसको आप लोग सुप्रीम कोर्ट को कोई लायर से मिलकर जो अच्छे एडवोकेट हो उनके सामने अपनी सारी बात को रखिए, जो नियमावली में संशोधन है उसको रखिए, तब वो आप लोग को एक रिट की ओर ले जाएंगे और आपको कोर्ट से एक अच्छा जजमेंट दिलाएंगे। अगर आप लोग को लगता है कि सर की भी मदद चाहिए, तो देखिए हमने सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट हैं, अच्छे एडवोकेट हैं, उनसे आज हमने बात भी किया था, उनका फ़ोन भी आया था, तो उन्होंने कहा कि स्टूडेंटों से आप कह दीजिए ज्वाइंट हो जाएँ, हम रिट करने को तैयार हैं। आप लोग जैसा भी उचित समझिए, अगर आप लोग स्वयं करना चाहते हैं आप लोग ग्रुप बनाकर 1-2 लोग ही रिप्रेजेंट करें, सब लोग इकट्ठा भीड़ न लगाएं और उनको सारे केस दे दें और जाके वकालतनामा पर सिग्नेचर कर दें। आपको बार बार जाने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी और हम समझते हैं फेवरेबल आर्डर आप लोग के फेवर में, ताकि आप लोग की समस्या तत्काल कुछ दिनों के लिए दूर हो जाए। लेकिन डियर स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादा दिन तक रुक नहीं पाएगा। और अब आप लोग को करना क्या है कि जो बच्चे अंडर LLB हैं, जिन्होंने LLB में एडमिशन लिया है, BA LLB में एडमिशन लिया है, ताबड़तोड़ मेहनत करिए, खूब अच्छी पढ़ाई करिए, रेगुलर क्लास करिए, ताकि आपका 70% आ जाए। इसीलिए हमने कहा था कि आप लोग
इस समय फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लीजिए, उसी तरह पढ़ाई करिए जैसे कि कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट करते हैं। इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि आपका जो LLB कंप्लीट होगी, BA LLB कंप्लीट होगी, आपका 70% के ऊपर जाएगा। सर ने आप लोग को ये भी बताया था कि परीक्षा रिफ्रेशर जो लॉ क्लासेस है, ये ऑनलाइन क्लासेस तो रेगुलर चलती है, मॉर्निंग में चलती है, इवनिंग में चलती है, और इसका ऑफलाइन मोड भी इलाहाबाद में स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग क्लासेस से जुड़ सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, और आपका जो मिशन है कि 70% वो आपका मिल जाए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।